देखिए, अगर आप अपनी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको पुलअप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक साथ आपके कई सारे मसल्स को ट्रेन करती है और हमारे शरीर को एक चौड़ा लुक देने में मदद करती है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पुलअप नहीं लगा पाते हैं, एक भी पुलअप नहीं लगा पाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर ही आजमा सकते हो और फिर आप बड़े ही आसानी से पुलअप लगा पाओगे। लेकिन इन तरीकों को बताने से पहले मैं आपको पुलअप लगाने का सबसे सही तरीके के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी काम को करने का सही तरीका नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम को गलत ही करोगे, और अगर आप गलत करोगे तो आपको उसका फायदा कभी भी मिल ही नहीं सकता। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पुलअप लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप पुलअप लगाएं तो सबसे पहले जब आप पुलअप बार को पकड़ें तो अपने हाथों को अपने दोनों कंधों से थोड़ा दूर दूर रखकर पकड़ें, ताकि इससे आपके बैक और चेस्ट में प्रॉपर स्ट्रेच पड़ सके और वो जल्दी से ग्रो हो सके। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि पुलअप लगाते वक्त आपको पुलअप बार के पूरा ऊपर जाना है और पूरा नीचे आना है। ऐसा नहीं कि पुलअप बार के आधा ऊपर गए और फिर नीचे आ गए, और ऐसा भी नहीं कि पुलअप बार के ऊपर तो गए लेकिन पूरा नीचे भी नहीं आए, बल्कि आपको पुलअप बार के इतना ऊपर जाना है कि आपका गर्दन पुलअप बार से ऊपर होना चाहिए। और तीसरा चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी झटके के साथ ऊपर नहीं जाना है और ना ही आपको झटके के साथ नीचे आना है, बल्कि आप धीरे धीरे अपने बॉडी को फील करते हुए ऊपर की ओर जाएं और धीरे धीरे अपने मसल्स को फील करते हुए नीचे की ओर आएं। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पुलअप लगाएं तो अपने बैक को अंदर की ओर स्क्वीज करें, ना कि बाहर की ओर। तो ये हो गई पुलअप लगाने का सबसे सही तरीका। अगर आप इस तरीके से पुलअप लगाते हो तभी जाके आपको इसका प्रॉपर फायदा मिलेगा और आपका बॉडी ग्रो हो पाएगा। तो अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिसे अगर आप अपनाते हो तो आप अगर पुलअप नहीं लगा पाते हो तो आप बड़े ही आसानी से पुलअप लगा पाओगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इन एक्सरसाइज को लगभग 10 दिनों तक करना है और फिर आपको पुलअप स्टार्ट करना है, तभी जाके आप पुलअप आसानी से लगा पाओगे। तो आते हैं अपने पहले एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी होती है। ये एक्सरसाइज अभी जिम पर की जा रही है। आप इसे घर पर करने के लिए आप किसी बेंच या फिर अपने पलंग के नीचे अपने बॉडी को अंदर की ओर कर लें और फिर अपने बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेट करते हुए अपने दोनों हाथों से बेंच के कोर को पकड़ें और फिर आपको कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज से होता क्या है कि आपका जो बैक है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है और जिससे आप कुछ ही दिनों के अंदर ही पुलअप आसानी से लगा पाते हो। तो अगर आप एक भी पुलअप नहीं लगा पाते हो तो इस एक्सरसाइज को जरूर करें। अब आते हैं हमारे दूसरे एक्सरसाइज पे जो कि बेहद जरूरी है अगर आप पुलअप लगाना सीखना चाहते हो। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले पुलअप बार पे लटकना है और फिर आप अपने कंधे को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दें और फिर आपको अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। लेकिन ध्यान रहे कि अपने बॉडी को ऊपर उठाते वक्त अपने एल्बो को मोड़ना नहीं है, आपको अपने शोल्डर्स के मदद से ही अपने बॉडी को ऊपर उठाना है और नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज से आपके मिड ट्रैप और लोअर ट्रैप दोनों एक ही साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिससे जब आप पुलअप लगाते हो तो आप बड़े ही आसानी से अपने बॉडी को अपलिफ्ट कर पाते हो। अब आते हैं हमारे तीसरे एक्सरसाइज पे जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव पुलअप। देखिए, जब हम लोग पुलअप लगाते हैं तो पहले हम लोग अपने बॉडी को ऊपर की ओर ले जाते हैं और फिर उसे नीचे की ओर लाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी को नीचे लाते वक्त भी हमारे मसल्स का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए आपको पुलअप स्टार्ट करने से पहले आपको नेगेटिव पुलअप को करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी बेंच या फिर किसी डब्बे को पुलअप बार के पास रखना है और फिर आपको उसके ऊपर चढ़कर पुलअप बार के ऊपर जाना है और अपने बॉडी को धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप अपने बॉडी को नीचे की ओर लाएं तो जितना ज्यादा धीरे हो सके
उतना धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। अगर आपसे एक भी पुलअप नहीं लगता तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपसे पुलअप बड़ी ही आसानी से लग पाएगी। अब आते हैं हमारे चौथे एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे पुलअप लगाने के लिए बेहद जरूरी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी डंडे को दो चेयर के बीच रखना है और फिर आपको कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके आर्म स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ आपका बैक भी स्ट्रांग होता है, और जिससे जब आप पुलअप लगाते हो तो आप अपने बॉडी के वजन को बड़े ही आसानी से उठा पाते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिसे अगर आप 10 दिन तक आजमाते हो तो आप पुलअप बड़े ही आसानी से लगा पाओगे। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।